ऑल इंडिया किन्नर समाज, मैं सोनाक्षी महंत महामंडलेश्वर चंडीगढ़ से हूँ। और जहाँ पे जो आज ऑल इंडिया किन्नर समाज सम्मेलन में पहुँचा है, ये हमारे जो पोली मंच जिस लेम टापरी से है, यहाँ के नायक हैं, यहाँ के मुखिया हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये सम्मेलन करवाया है कि तो लुधियाना सिटी के अंदर सुख शांति बनी रहे और लुधियाना सिटी नशा मुक्त रहे देश वर्ष में। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को और यहाँ के MLA को भी हम लोगों की तरफ से बहुत ब्लेसिंग और बहुत सारा आशीर्वाद भी, जो भी उन्होंने यहाँ पे पंजाब में कार्यक्रम करे हैं उनके लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में हमारे समाज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे पंजाब को, पूरे 42-43 जो भी पंजाब के ज़िले हैं उनको सबको किन्नर समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले। ये 10-12 दिन का सम्मेलन जो चलता पाया बड़े बजुर्गों का, जेडे लुधियाने शहर के बड़े बजुर्ग सके है ना, वो भी खैर मंगते सी लुधियाना वासियां दियाँ। और जेडे असी भी उन्होंने नशके कदम के उत्ते तुरते चलते पे हाँ, तो असी भी लुधियाना वासियां की खैर दुआ मंगन वास्ते ये शोभा यात्रा कढ़ी सी। ये बजुर्गों का भंडारा जोड़ा हो रहा वा लुधियाना वासियां दे बच्चियां दियां दुआवां, कम कार दे विच वाधा पैन दियां दुआवां, नगर खेड़े दे विच वाधा पैन दियां दुआवां, ये सब जेड़ा वा लुधियाना वासियां दे दुआवां दे नाल ही हो रहा वा। और अपना जेड़ा वा सारे देश भर तो किन्नर समाज आया होया, किन्नर खाड़ा आया होया वा, और सब दियां दुआवां मंगियां जा रही, रोज़ इत्थे जोत बत्ती आरती हुंदी है। मैं जरा लुधियाना वासियों ये मैसेज देना चाहनी हाँ भी जरा नशिया तो दूर रहना चाहिए वा। अजक जे बच्चे नौजवान आ नशिया के उन्होंने अपना पैर पाया होया वा, असं माता राणी के अगे दुआ करते हैं, महाकाल के अगे दुआ करते हैं भी अपना जेड़ा किसी के बच्चे नशा नहीं लगना चाहिए, यही दुआवा करते पे, इस करके जरा ये किन्नर सम्मेलन हो रहा वा। ये ऐसा वा भी साढ़े बजुर्गों का कई कई साल बाद होंदा वा, ये ऐसा की गल तो है नहीं भी जरा आप दूजे तीजे दिन या दो महीने बाद कर लवेंगे, ये करने बड़ा समा लगता वा। जदों तक बजुर्गों की रहमत होंगी है ये उदो ही भंडारा कर सकते हैं, उन्होंने रहमत तो बिना यह भंडारा नहीं हो सकता। जय राम। ऑल इंडिया किन्नर समाज, मैं सोनाक्षी महंत महामंडलेश्वर चंडीगढ़ से हूँ। और जहाँ पे जो आज ऑल इंडिया किन्नर समाज सम्मेलन में पहुँचा है, ये हमारे जो पोली मंच जिस लेम टापरी से है, यहाँ के नायक हैं, यहाँ के मुखिया हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये सम्मेलन करवाया है कि तो लुधियाना सिटी के अंदर सुख शांति बनी रहे और लुधियाना सिटी नशा मुक्त रहे देश वर्ष में। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को और यहाँ के MLA को भी हम लोगों की तरफ से बहुत ब्लेसिंग और बहुत सारा आशीर्वाद भी, जो भी उन्होंने यहाँ पे पंजाब में कार्यक्रम करे हैं उनके लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में हमारे समाज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे पंजाब को, पूरे 42-43 जो भी पंजाब के ज़िले हैं उनको सबको किन्नर समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले। ये 10-12 दिन का सम्मेलन जो चलता पाया बड़े बजुर्गों का, जेडे लुधियाने शहर के बड़े बजुर्ग सके
ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਕੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ।